बंगलों का, एक बंगला 1 करोड़ में, इस तरह से 2 करोड़ रुपए में मैंने वो दोनों बंगले खरीदे। और उसमें जो एग्रीमेंट टू सेल मेरा रजिस्टर्ड हुआ उसमें पेज नंबर 6 क्लॉज नंबर 4 के हिसाब से बिल्डर को 30 महीने में वो प्रॉपर्टी कंप्लीट करनी थी पूरी टाउनशिप, जो कि आज 102 महीना हुआ फिर भी वो कंप्लीट हुई नहीं है। बिल्डर को जहाँ 25 करोड़ में है वो पूरी टाउनशिप कंप्लीट करनी होती, उसके बाद 60 से 65 करोड़ रुपए आया, बावजूद इसके वो पूरा काम नहीं हुआ, यानी ऑलमोस्ट 50 करोड़ का सीधा स्कैम बिल्डर के द्वारा वहाँ पे हुआ है। दूसरी बात, जो लोन मैंने लिया था वो मैंने DHFL बैंक दहिसर ब्रांच मुंबई से लिया था, और DHFL बैंक के मेरे कुछ EMIs रेगुलर थे, और उसके बाद में कहीं मैं जब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया तो मैंने खुद बैंक को जाके मुलाकात की, उनसे मैं मिला और उनसे मैंने कहा कि ये लोन मैं क्लोज करना चाहता हूँ वन टाइम, बिकॉज कुछ ऐसे सिनारियो अभी हमारे बिजनेस में है कि मैं रेगुलर EMI नहीं पे शायद कर पा रहा हूँ। तो मैं जेन्युइनली सामने से अप्रोच किया हूँ, उनको लेटर दिया, मैंने उनको एक DD भी दिया, 10% अमाउंट का DD भी दिया, ताकि वो मेरे को क्लोजर अमाउंट मेरे को बता दे, लेटर दे और मैं बाकी का अमाउंट भर सकूँ। लेकिन उस वक्त DHFL किसी और फ्रॉड के चक्कर में RBI के अंडर में थी, तो वो शायद वो डिसीजन ले नहीं पाए, या उनका मैनेजमेंट पता नहीं मेरे को जवाब नहीं दे पाया, वो DD भी उन्होंने रख लिया था, फिर वो मैंने DD को इनकैश नहीं होने दिया, बैंक में मैंने बोल के वो क्लोज करा दिया। उसके बाद ऐसा हुआ है कि DHFL को मैं रेगुलर मिलता रहा, मैं सामने से उनको अप्रोच करता रहा कि भाई मेरा जो लोन है मैं क्लोज करना चाहता हूँ, रेगुलर मैं उनको लेटर देता रहा। इवन जो मेरा एड्रेस 10 साल पहले था लोन लेते समय 2013 में, तो वो मैंने 2015 में जब मेरा एड्रेस चेंज हुआ वो भी मैंने उनको लेटर करस्पॉन्डेंस करके दिया था। उसके बाद पिरामल हाउसिंग फाइनेंस ने रिसेंटली DHFL को टेक ओवर किया है, और पिरामल हाउसिंग फाइनेंस ने मुझे बिना बताए किसी तरह की कोई भी लीगल नोटिस मेरे को सर्व ना करते हुए इलीगली मेरी दोनों प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे एब्सेंस में औरंगाबाद में ले लिया। तो उसके खिलाफ मैंने DRT कोर्ट औरंगाबाद में 16 मार्च 2022 को उन्होंने पोजीशन लिया, इमीजिएट 20 मार्च 2022 को मैं DRT कोर्ट औरंगाबाद में अप्रोच हुआ, और 13 मई यानी 2 महीने के अंदर ही 13 मई 2022 को ऑर्डर जो है कोर्ट का मेरे फेवर में लगा। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आपने इलीगली इनकी प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया है, तो पिरामल हाउसिंग फाइनेंस सिद्धार्थ जाजू के बंगलों को वापस दे, पोजीशन वापस दे, उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग है जो भी निगोशिएशन आप आपस में कर सकते हो। उसके बाद मैं पिरामल से जाके मिला, मैंने उनके जो रिकवरी हेड है लीगल हेड है उनसे बातचीत की, उनको मैंने मेल भी डाला बाकायदा, और कहा है कि मैं जो जितना लोन मैंने आपसे लिया है मैं उसमें किसी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, जितना मैंने आपसे लोन डिसबर्स लिया है उतना पूरा की पूरा 2 करोड़ में भरने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे क्लोजर लेटर दे दें मैं पैसा भर दूँ, क्योंकि मुझे अश्योरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उसी और मेरा पोजीशन वापस दिया जाए, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी को सेल करके मैं आपको पैसा देना चाह रहा हूँ। बट पिरामल हाउसिंग फाइनेंस ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ DRT कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट इवन दाऊ, उन्होंने उनके ऑर्डर को नहीं माना और पोजीशन रिस्टोर नहीं किया जबकि कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद मैं थोड़ी और भी कुछ कस्टमर से मिला, तो आज के दौर में पिरामल हाउसिंग फाइनेंस जिसने करीब करीब 60,000 करोड़ के DHFL को 35,000 करोड़ में टेक ओवर किया है, वो बैंकिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपनी मनमानी और गुंडागर्दी तरीके से काम किए जा रहे हैं, जबकि हाउसिंग लोन आप सभी जानते हो करीब 7% से पूरे देश में सारे बैंक दे रहे हैं, और ये 17% से दे रहे हैं। आपको दिए हुए पेपर में आप देखें तो उसमें आपको दिखेगा 17% से लगभग ये लोग हाउसिंग लोन दे रहे हैं रेगुलर कस्टमर को। इरेगुलर कस्टमर की तो बात छोड़ दीजिए, जो NPO की बात अलग है, ये रेगुलर कस्टमर को भी 17% से हाउसिंग लोन का अमाउंट दे रहे हैं। साइमल्टेनियसली सभी जगह पे स्टेट अवे जाके पोजीशन कर रहे हैं, कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर भी है तो उसको वो नहीं मान रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ये इस तरह से एक्टिविटी वर्क कर रहे हैं? पिरामल फाइनेंस का नाम पहले कभी भी हाउसिंग फाइनेंस में कभी सुना नहीं गया था, ऑल ऑफ सडन ये लोग एंट्री किए हुए हैं, और इन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया ये बहुत ही गलत है, बहुत ही इलीगल है, और इसके लिए मैं RBI में इनके खिलाफ कंप्लेंट दे चुका हूँ। RBI ने कल 15 तारीख को मेरे को जवाब दिया है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक दिल्ली से ऑपरेट होती है, हाउसिंग फाइनेंस को ऑपरेट करने वाली बैंक है, उसकी तरफ उन्होंने वो कंप्लेंट आगे की है, यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको पेपर भी दिया फर्स्ट पे, तो NHB की तरफ गया है। मेरा सेड अवे कंप्लेंट ये है कि पिरामल हाउसिंग फाइनेंस जैसी गुंडे वाली हरकत करने वाली हाउसिंग फाइनेंस को बंद किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, और वो लाइसेंस या रिकवरी जो भी है DHFL वाली वो किसी नेशनलाइज बैंक को दिया जाए, एक रेगुलर और जिम्मेदार बैंक को वो ट्रांसफ़र किए जाए, और ये कॉल RBI गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर देश के ले सकते हैं, और हम इसके लिए उनके साथ
अप्रोच में है और सेट अवे कोर्ट के द्वारा भी मैं इनके साथ में फाइट में हूँ। इसके अलावा बिल्डर ने जो 50 करोड़ का स्कैम किया है उसके लिए ईडी डिपार्टमेंट में मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया है, उसका रिसीट भी आप ऊपर देख सकते हो, आपको दिए हुए पेपर मैंने दिया है। तो ये पूरी कहानी है। ओके, आरबीआई का गाइडलाइन है 7.6% जो है वो उनका ये होता है रेवेन्यू होता है और 17% ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये उल्लंघन है कानून का। जी हाँ, पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है और कस्टमर के साथ खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं कस्टमर को इसके लिए अभी आगे आना है। और 10 लाख कस्टमर है DHFL के जो अभी ट्रांसफर हुए पीरामल के पास, तो 10 लाख कस्टमर के बारे में गवर्नमेंट को सोचना होगा, RBI को सोचना होगा और पीरामल हाउसिंग फाइनेंस पे कार्रवाई करनी होगी। औरंगाबाद कोर्ट ने जब आपको आदेश दिया या कहा कि भाई आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो, तो उनका इस पर क्या कहना था, क्यों वो लोग क्लोज करना नहीं चाहते हैं? पीरामल हाउसिंग फाइनेंस से मेरे को कहा, मैंने उनको जब मेरा क्लोजिंग का लेटर या ईमेल दिया हूँ, मैं उनको अप्रोच भी किया हूँ, दे आस्क फॉर कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हमारे पास डीडी लेके आओ, फिर हम उसके अगेंस्ट में क्लोजर दे देंगे। तो आई एक्सेप्ट फॉर दैट, मैं बोला गिव मी द सम टाइम, क्योंकि अमाउंट है 20 से 50 लाख के आसपास की, उतनी अमाउंट मैं लेके आ जाता हूँ डीडी। इसके पहले भी 20 लाख का मैं डीडी ले गया था 6 फरवरी 2017 को, मेरे बैंक में रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो मैंने वो टाइम मांगा है और वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बावजूद इसके वो पोजीशन रिस्टोर नहीं करना चाह रहे जो कि ऑर्डर कोर्ट का है। तो ये कहीं ना कहीं एक मनमानी वाला काम है जो उनकी तरफ से चल रहा है। तो ये पिक्चर में जो बैक साइड में आपके दिख रहा है यही बंगलो, इसी बंगलो का मामला है ये? जी हाँ, इसी बंगलो का मामला। सिचुएशन सिचुएटेड है ये औरंगाबाद में नक्षत्रवाड़ी में है, काफी प्राइम लोकेशन है औरंगाबाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने कंप्लेंट दिया था पिरामिड हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और किसी नेशनल बैंक को वो ट्रांसफर किया जाए, उसका उन्होंने जवाब दिया है, NHB की तरफ उन्होंने ये ट्रांसफर किया हुआ है। साथ ही जो बिल्डर ने 50 करोड़ का स्कैम किया है उसके बारे में ईडी डिपार्टमेंट को मैंने कंप्लेंट दी है और उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब इसमें एंटरटेन किया और शॉर्टली उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी ये बताया गया है। ये औरंगाबाद DRT कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें ये जहां हाईलाइट किया यहां पे ऑर्डर है कि आपने पिरामिड हाउसिंग फाइनेंस से इल्लीगली ये पोजीशन लिया है प्रॉपर्टी का, तो वो पोजीशन रिस्टोर किया जाए।